नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए जॉब न्यूज़ गुरु चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जॉब न्यूज़ गुरु में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सबसे बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं JVVNA हेल्पर सेकंड की न्यूज़ लेकर कि रिजल्ट कब घोषित होगा। इसका पहली बात करेंगे हम, रिजल्ट कब घोषित होगा। उसके बाद हम बात करेंगे नौकरी लगने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन नहीं किया तो क्या करें, दोबारा आंसर की कब जारी होगी, इन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर हमारे YouTube पे नए हो तो YouTube को प्लस आपसे निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलो हम बात करते हैं इसका रिजल्ट कब घोषित होगा। तो बात कर लें कि रिजल्ट कब होगा, मतलब रिजल्ट इसका कब जारी होगा। तो रिजल्ट बता दूं, पहले इसकी आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद मतलब पहले आंसर की दे दी, उसके बाद में वापस रिवाइज आंसर की आएगी, उस आंसर की आने के बाद में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो रिजल्ट लगभग आपके फरवरी माह के मतलब सेकंड सप्ते में आपका इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लगभग 15 तारीख के बाद में इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और इसकी आंसर की बता दूं कि इसके आंसर की कब जारी करेंगे, तो इसकी आंसर की जारी करेंगे फरवरी के प्रथम वीक में इसकी आंसर की जारी कर देंगे। तो इस आंसर की जारी कर देंगे फरवरी प्रथम वीक में। कब करेंगे? फरवरी प्रथम वीक में इसकी आंसर की जारी कर देंगे। और उसके बाद में बता दूं कि नौकरी लगने के बाद में आपको क्या काम मिलेगा, वो तो सबसे बात, ऑब्जेक्शन नहीं किया तो क्या करें। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके चिप शिफ्ट में पेपर हुआ था, उस शिफ्ट का पेपर में अगर एक भी बंदा मतलब आपके एक भी बंदा ऑब्जेक्शन लगाया, मतलब एक भी बंदा ऑब्जेक्शन लगाया है, कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन लगाया है, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं। अगर उस शिफ्ट वाले में एक नंबर बढ़ेगा तो आपके भी एक नंबर बढ़ेगा, तो आपको इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम बात कर लें कि इसकी दोबारा आंसर की बता दी मैंने कि फरवरी प्रथम वीक पे जारी होगी। उसके बाद में हम बात कर लें कि नौकरी लगने के बाद अगर आपकी नौकरी लग गई तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो ये भर्ती है हेल्पर सेकंड की, मतलब आपसे सहायता का काम होगा। जैसे अभी बिजली विभाग में जो ये खंभे वाले लगाते हैं, जो पोल लगाते हैं, उनमें आपको सहायता करनी है। वो पोल लगाने का आपका काम है कि आपको पोल लगाना पड़ेगा, ठीक है। उन पोल पे फिर उनके तार बिछाने का काम, वो आपका ही काम रहेगा। तार बिछाने मतलब तार जोड़ने का काम रहेगा आपके, जैसे कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है, मान लो आई टी आई किया हुआ बंदा है, तो उसका काम है कि पोल पे वायरिंग का काम है, तो ये आपका काम रहेगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक करें, लाइक बटन दबा दें, और अगर YouTube सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी सूचना अपलोड करेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।